जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में बेरोजगारी इतनी है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में प्यून के लिए, मतलब चपरासी के लिए, जिसको फोर्थ क्लास की नौकरी मानी जाती है, उसके लिए एक नौकरी निकाली गई कुछ समय पहले। उसके लिए 368 पद उत्तर प्रदेश में थे। इन 368 पदों के लिए, जो चपरासी की नौकरी थी उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि इसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 5वीं पास की थी कि व्यक्ति सामान्य हिंदी पढ़ ले, ताकि इतना उसका काम है, बाकी शेष उसको हाथ से काम करना है। तो इस 5वीं पास की नौकरी के लिए जो केवल 368 थी, उसके लिए उत्तर प्रदेश में 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और हैरानी वाली बात यह है कि ये जो 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, इसमें सैकड़ों लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की थी। पीएचडी करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लगभग 22 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर 20 से 22 साल की पढ़ाई के बाद व्यक्ति पीएचडी कर पाता है। तो वो पीएचडी वाले सैकड़ों लोग जिनको आधुनिक शिक्षा रोजगार नहीं दे पाई, वो चपरासी के पद के लिए, मतलब 5वीं क्लास के लिए जो नौकरी है उसके लिए अप्लाई करते हैं। और इन 23 लाख लोगों में से जो अधिकतर लोग थे, उनमें से किसी ने 10वीं की थी, किसी ने 12वीं की थी, और 2 लाख से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जिन्होंने किसी भी प्रकार की बीटेक की थी, एमटेक की थी, बीबीए किया था, एमबीए किया था, बीएससी किया था, बीएड किया था, और बहुत से एमसीए से लेकर बीसीए से लेकर बहुत से प्रोफेशनल कोर्स किए थे, और जिसके लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। तो ये देश में बेरोजगारी की स्थिति है। 5वीं पास चपरासी की नौकरी लेने के लिए लोगों की लाइन लगती है। अगला एग्जांपल देखिए, अगले उदाहरण की हम बात करें तो चपरासी के केवल 13 पद थे, और उन 13 पदों के लिए 27,000 लोगों ने आवेदन किया। ये सामने स्क्रीन पर आपको अलग अलग न्यूज कटिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह 738 पदों के लिए 3 लाख लोगों ने आवेदन किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अगर मैं आबादी की बात करूं तो 21 करोड़ की आबादी है। ये जो 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था, तो आप ये मानिए कि हर 90 में से एक व्यक्ति ने उस नौकरी के लिए आवेदन किया था कि 5वीं पास चपरासी की नौकरी मुझे मिल जाए। अब ऐसे ही, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो स्थिति यही है। 13 पद एक बार चपरासी के लिए निकले तो उसमें 27,000 ने आवेदन किया, और ये जो 27,000 ने आवेदन किया, इसमें भी बहुत से लोग पीएचडी वाले थे, बहुत से लोग बीबीए वाले थे, एमबीए वाले थे, एमसीए वाले थे, बीसीए वाले थे, बीटेक वाले थे, एमटेक वाले थे, बीए और एमए की सामान्य की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरह एक और भर्ती निकली जिसमें केवल 62 पद थे, लेकिन 62 पदों की भर्ती के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 93,000 लोगों में 78,000 लोग वो थे जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। 50,000 लोगों ने ग्रेजुएशन किया था, 28,000 लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और वो लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वो चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हम किसी तरह 5वीं पास व्यक्ति के बराबर चपरासी की नौकरी हमें मिल जाए तो हम बहुत गौरवान्वित हो जाएंगे, हमारी जिंदगी बहुत आराम से कट जाएगी। तो ऐसी बेरोजगारी की स्थिति है। इसमें बहुत से लोगों ने बीएससी की थी, एमएससी की थी, और चपरासी के पद के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है वो केवल 5वीं क्लास है। ऐसे ही मैं अगर एक और प्रांत हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां 24 पोस्ट निकाली गई कि ये चपरासी के लिए 24 पोस्ट हैं। इस 24 पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 3200 लोगों ने आवेदन दिया, और जिन 3200 लोगों ने आवेदन किया उन्होंने पीएचडी की हुई, एमएससी किया हुआ, एमटेक किया हुआ, बीटेक किया हुआ, एमए किया हुआ, बीए किया हुआ, बीएड किया हुआ, एमएड किया हुआ, बीएससी किया हुआ, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली थी। तो ऐसे 3200 लोगों ने 24 चपरासी के पदों के लिए अप्लाई किया। और ये केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के एग्जाम्पल सामने हैं। मैं यदि हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में एक पोस्ट निकाली गई, एक जिला है यमुनानगर, यमुनानगर की जगाधरी कोर्ट में एक पोस्ट निकाली गई चपरासी की, तो उस चपरासी के 10 पद थे, उन 10 पदों के लिए 6600 लोगों ने आवेदन किया। और जो 6600 लोग आवेदन करने वाले थे,
उस पद की आवश्यकता तो थी 5वीं 8वीं 10वीं, लेकिन उसके लिए बीए एमए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ने अप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। ऐसे ही मैं यदि हरियाणा के एक और जिले पानीपत की बात करूं तो पानीपत में 13 लोगों को चपरासी के लिए रखना था, तो उसके लिए 13,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें एमटेक बीटेक वाले इंजीनियर भी शामिल थे। न्यूनतम योग्यता 8वीं रखी गई थी, उस 8वीं की योग्यता की नौकरी में भी पीएचडी वाले पहुंचे थे। तो ये अपने देश में बेरोजगारी की स्थिति है। पढ़ाई करने के लिए किस प्रकार से मारामारी होती है, आप सबके सामने है। आज मैं ये यदि भारत की बात करूं तो भारत में लगभग 1000 यूनिवर्सिटी हैं, 1000 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए 50,000 कॉलेज हैं, और इन 50,000 कॉलेज में लगभग 3.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, और इन 3.5 करोड़ पढ़ने वाले लोगों में हर साल लगभग 90 लाख लोग ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके या पीएचडी करके बाहर निकलते हैं। और ये जो 90 लाख लोग बाहर निकलते हैं, इनके बारे में एसोचैम की एक रिपोर्ट कहती है कि 93% लोग ऐसे हैं जो नौकरी के लायक ही नहीं हैं, जो अगर चाहें तो उनके पास ऐसी कोई स्किल, ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि वो नौकरी कर सकें। केवल 7% लोगों को नौकरी मिल पाती है, बाकी जितने बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और अलग अलग स्ट्रीम से वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन ये करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए नहीं कि नौकरी कम है, नौकरी कम तो कम है, लेकिन नौकरी के साथ साथ एसोचैम ये कहती है कि उनके अंदर उस पढ़ाई के अंदर, इस पढ़ाई के दौरान जो स्किल होना चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता ही नहीं है। और जो लोग नौकरी करते भी हैं, जिनको नौकरी मिलती है, वो अंडर पेमेंट पर नौकरी करते हैं। किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीएचडी की, तो उसको नौकरी कितनी मिलेगी? ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिलेगी 8,000 रुपये की, 10,000 रुपये की। बहुत से, मैं कहता हूँ लाखों की संख्या में ऐसे ग्रेजुएशन करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं जो मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। एसोचैम आगे ये कहता है कि जो एवरेज इनकम है इन 93% लोगों की, उनकी सालाना 65,000 रुपये है। मतलब ये है कि 12×5=60, 5 से लेकर 6,000 रुपये मासिक वो नौकरी की एवरेज में प्राप्त कर सकते हैं, कर पाते हैं। अब आप देखिए भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है कि 100 बच्चे स्कूल में जाते हैं तो 100 में से 77 बच्चे 10वीं क्लास तक पहुंच पाते हैं, और ये जो 10वीं क्लास 77 बच्चे पास करते हैं, इनमें से 55 बच्चे 12वीं तक पहुंच पाते हैं, और 26 बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कॉलेज में पहुंच पाते हैं। अब पूरी दुनिया में अपना भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉलेज से संख्या में पास आउट बच्चे निकलते हैं, विद्यार्थी निकलते हैं। लेकिन यदि हम भारत की विश्वविद्यालयों की बात करें, याद रखिए भारत वो शिक्षा का देश है, भारत जिसका नाम है जो प्रकाश देने में रत रहा हो, जहाँ पर नालंदा जैसे, जहाँ पर तक्षशिला, प्राचीन भारत में जब अखंड भारत था, पाकिस्तान भारत के अंदर था, तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला से लेकर सैकड़ों विश्वविद्यालय चलते थे, जहाँ से पूरी दुनिया के लोग आकर पढ़ते थे, ज्ञान विज्ञान यहाँ से लेते थे, यहाँ हजारों प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी। और आज स्थिति यह है कि कॉलेज से जब कोई युवा निकलता है तो उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है। और भारत के अंदर जो बेरोजगारी की स्थिति है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत में जितने अनपढ़ बेरोजगार हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अनपढ़ व्यक्ति फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यदि भारत की शिक्षा व्यवस्था में किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने पीएचडी कर ली, तो वो केवल और केवल नौकरी चाहता है, वो हाथ से काम करना शर्म की बात मानता है। तो ये भारत की शिक्षा व्यवस्था है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने बताया कि केवल 7% लोग ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लायक हैं। भारत के अंदर 220 बिजनेस स्कूल 2 वर्ष पहले, कोरोना से पहले बंद हो चुके थे, और 120 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। लोग बहुत चाव से अपने बच्चों को बीटेक करवाते हैं, एमटेक करवाते हैं, बीबीए करवाते हैं, एमबीए करवाते हैं, बीसीए करवाते हैं, एमसीए करवाते हैं, किसी प्रकार के ग्राफिक्स डिजाइनर से लेकर, होटल मैनेजमेंट से लेकर, उनकी अलग अलग डिग्री करवाते हैं। और एक बच्चा जब इंजीनियर बनता है,
एक बच्चा जब BCA करता है, MCA करता है, MA करता है, BA करता है, तो उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मैं यदि एक स्ट्रीम की बात करूं, जिसका सपना हर माँ बाप देखता है, जिसके लिए कंपटीशन की तैयारी करवाता है, तो एक बच्चा जब इंजीनियरिंग करता है, BTech करता है, MTech करता है, तो BTech के लिए उसको कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, कोचिंग के नाम से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, BTech के नाम से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। जब BTech और कोचिंग के नाम से जब लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति क्या है आज देश में, इंजीनियरों की स्थिति क्या है देश में? लगभग 30 लाख इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। उन 30 लाख सीट में से देखिए, 20 साल 15 साल पहले तो स्थिति ये थी कि देश में इंजीनियरिंग की सीट्स नहीं होती थी, तो लोग विदेश में जाते थे। साउथ में कुछ कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले तो लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू किया, वहाँ से डिग्री लेकर आते थे। फिर अपने देश के लोगों ने, नेताओं ने सोचा कि हम कुकरमुत्तों की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रूवल दे देते हैं। लोगों ने बिल्डिंग खड़ी कर ली ये सोचते हुए कि इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से मोटी फीस मिलेगी, जिसमें ना अच्छे लेक्चरर हैं, ना अच्छी लैब है, ना सिखाने की कोई जिजीविषा है, ना किसी प्रकार की क्रिएटिविटी दी जाती, ना किसी प्रकार की सृजनात्मकता दी जाती। तो ऐसे 30 लाख सीटें निकाली गई आज के दिन है। 30 लाख में केवल 15 लाख लोग एडमिशन देने के लिए मिलते हैं, और वो जो 15 लाख लोग एडमिशन हर साल लेते हैं, 15 लाख लोग ही पास आउट होकर निकलते हैं। इनमें से केवल 5 लाख लोगों को नौकरी मिल पाती है, 10 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। और एक स्टडी ये कहती है कि भारत से जो इंजीनियर निकलते हैं, उनके अंदर सामान्य जानकारी नहीं होती, सामान्य स्किल नहीं होता कि वो एक सामान्य काम भी कर सकें। तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी केवल 3% लोगों में, 3 से 7% लोगों में ही वह स्किल होती है कि वो कुछ अच्छा काम कर पाए। बाकी लोग तो केवल 10-12-15 हज़ार रुपये की डाटा ऑपरेटर की या किसी भी प्रकार की नौकरी करके या कुछ और काम करके एक बेरोजगार की तरह अपना पेट पालते हैं, बेरोजगार की तरह रहते हैं। और एक BTech जब की जाती है, तो किसी प्राइवेट कॉलेज से हम BTech करते हैं, तो 4 साल के अंदर लगभग 3 से लेकर 10 से 12 लाख रुपए तक खर्च किए जाते हैं। और ये जो है, ये कोर्स फी है, इसके अंदर यदि आप रहने खाने का, हॉस्टल का खर्च शामिल कर लें, तो ये जो ये अमाउंट है, ये लगभग 1.5 गुना हो जाएगी, 5 से 15 लाख हो जाएगी। तो BTech करने के बाद ये स्थिति है। PG, जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा, जो हर साल जो लगभग 30 लाख PG किए हुए युवा निकलते हैं, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो 50% युवा हैं, जिन्होंने परास्नातक किया है, PG किया है, वो सामान्य हिंदी इंग्लिश को लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोलने की तो बात दूर है। 65% युवा ऐसे निकलते हैं इन 30 लाख युवाओं में से, जो हर साल पोस्ट ग्रेजुएशन करके डिग्री लेकर, एक कागज़ का टुकड़ा लेकर, एक अपनी पढ़ाई के नाम पर जो माता पिता की जो गाड़ी कमाई को वो खर्च करते हैं, उस खर्च की रसीद लेकर निकलते हैं। तो उसमें 65% युवा ऐसे हैं जो क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते, ऐसी स्टडी कहती है। तो भारत में ये शिक्षा व्यवस्था क्यों बनाई गई? लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा व्यवस्था बनाई गई ताकि भारत को लगातार गुलाम बना के रखा जा सके। हम अंग्रेजी के पीछे भागते हैं, अंग्रेजी मात्र 58% युवा ऐसे हैं जो 65,000 सालाना से कम की नौकरी करते हैं। और जैसा मैंने बताया, बहुत से युवा ऐसे हैं जो मनरेगा में 6,250 रुपये की दिहाड़ी के ऊपर मजदूरी करते हैं। आज यदि मैं भारत की बात करूं, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की रचनात्मकता नहीं है, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी नहीं है, किसी भी प्रकार की सृजनात्मकता नहीं है। व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति के सोच को केवल भाषा के नाम पर कुंद कर दिया जाता है, सिलेबस के नाम पर केवल रट्टू तोता बनाया जाता है, केवल रटवाया जाता है, और रटवाने के बाद ये कहा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के कोर्स में से ये 10 पन्ने याद कर लेंगे तो आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे, उन 8 सवालों में आपने 5 सवाल भी रटकर यदि उत्तर दे दिया तो आप पास माने जाएंगे, उस सब्जेक्ट के आप विद्वान माने जाएंगे। ऐसी हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था है। और इस भारत की शिक्षा व्यवस्था में हमारे पास अच्छे प्रोफेसर नहीं हैं, अच्छे लेक्चरर नहीं हैं, अच्छे शिक्षक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चरर, प्रोफेसर या शिक्षक कोई बनना नहीं चाहता। यदि सरकारी सेक्टर की बात छोड़ दी जाए, सरकारी तंत्र हमारा इतना निष्क्रिय हो चुका है कि उस सरकारी तंत्र में यदि कोई आता है तो वो तंत्र में वो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। और वही युवा
जब किसी प्राइवेट तंत्र में उससे 10 गुना कम सैलरी में काम करता है तो उससे ज़्यादा मन लगाकर काम करता है। तो जो टैलेंटेड युवा हैं, बेरोजगार युवा तो प्राइवेट विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड युवा है, शिक्षक जिसका महत्व सबसे ज़्यादा है, वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मिल नहीं पाते। और नतीजा क्या होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का स्तर निरंतर नीचे गिरता चला जाता है। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, आज से 15-20 साल पहले ये माना जाता था कि जिसने जूनियर बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कर ली, JBT कर ली, उसकी सरकारी नौकरी पक्की है, उसकी रोजगार की गारंटी पक्की है, वो पूरी उम्र बैठकर खा सकता है। फिर ये माना जाने लगा कि जिसने BTech कर लिया उसकी पूरी उम्र पक्की है, उसको सरकारी या प्राइवेट अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर ये माना जाने लगा कि जिसने MBA कर लिया उसको प्राइवेट बहुत अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। फिर ये माना जाने लगा कि जिसने किसी ने 30-40 साल पहले किसी ने फिजिकल एजुकेशन में PTI का कोर्स कर लिया, फिजिकल एजुकेशन के टीचर का कोर्स कर लिया, इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर लिया, तो उस व्यक्ति की नौकरी पक्की है, क्योंकि कोर्स करने वाले कॉलेज बहुत कम हैं और सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो इसको जॉब के लिए गारंटेड कोर्स मान लिया गया। इसी प्रकार से ड्राइंग टीचर के कोर्स को गारंटेड जॉब वाला कोर्स मान लिया गया। लेकिन आज स्थिति क्या है? JBT करवाने वाले, BEd करवाने वाले, MBA करवाने वाले, फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर का कोर्स करवाने वाले, ड्राइंग टीचर के, फाइन आर्ट्स का कोर्स करवाने वाले कॉलेज कुकरमुत्तों की तरह खुले हुए हैं। नतीजा क्या कि व्यक्ति जब वहाँ से निकलता है तो जो डिग्री का कागज़ लेकर निकलता है उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उसके पास स्किल नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, उसके पास सृजनात्मकता नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है, और सरकारी स्कूल में सरकारी पद क्योंकि बहुत कम है तो इसके लिए उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो फिर होता क्या है कि वही MA करने के बाद, PhD करने के बाद भी वो पांचवी क्लास के चपरासी के लिए आवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में हाथ से काम कर नहीं सकते, बड़ी नौकरी मिल नहीं सकती। नतीजा क्या होता है कि उनको केवल चपरासी टाइप की किसी भी प्रकार की कोई नौकरी चाहिए जिसमें वो नौकरी कर सकें। अभी देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का एक बड़ा निर्णय लिया है। पतंजलि विश्वविद्यालय में व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र और संस्कृत साहित्य में जो विद्वान बन करके पूरी शिक्षा की गारंटी, पूरी रोजगार की गारंटी और सबसे बड़ी बात विद्वानों और विदुषियां बना करके आपके जीवन को दिव्य बनाने की गारंटी और जवाबदेही उत्तरदायित्व के साथ विश्वविद्यालय शुरू किया जहां पर हम भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। देखिए, हमारा भारत कभी भी ज्ञान विज्ञान में पीछे नहीं रहा। मैं यदि आपके सामने बात करूं तो भारत में क्या क्या पढ़ाया जाता था, जो भारत में हमारी पुरानी परंपरा है, जो गुरुकुल होते थे, उनके अंदर मेटलर्जी से लेकर, न्यूमेटिक्स से लेकर, नेविगेशन से लेकर, हाइड्रोलिक्स से लेकर, स्पेस साइंस से लेकर, एनवायरनमेंट साइंस से लेकर, सोलर स्टडी से लेकर, वेदर फोरकास्ट से लेकर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से लेकर, पदार्थ विद्या से लेकर, सोलर एनर्जी से लेकर, स्पेस रिसर्च से लेकर, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, टाइम, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, धातु विद्या, ग्रेविटेशनल साइंस, प्रकाश विद्या, कम्युनिकेशन साइंस, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नि अस्त्र विद्या, आर्म एंड एम्युनेशन, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या, और जो हम यदि बात करें व्यावसायिक और तकनीकियों की, तो कॉमर्स से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, पशुपालन से लेकर, पक्षी पालन से लेकर, पशु प्रशिक्षण से लेकर, यान यंत्र मैकेनिक्स से लेकर, व्हीकल डिजाइनिंग से लेकर, ज्वेलरी डिजाइनिंग से लेकर, टेक्सटाइल से लेकर, पोटरी से लेकर, मेटलर्जी से लेकर, डाइंग से लेकर, कुकिंग से लेकर, आर्किटेक्ट से लेकर, वाटर मैनेजमेंट से लेकर, पता नहीं कितने ऐसे गणित थे, कितने ऐसे क्षेत्र थे जिसमें गुरुकुलों में बहुत गहन शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। लेकिन आज विडंबना क्या है कि वो हमारी शिक्षा नष्ट हो गई। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इन सारी शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, ग्लोबल गुरुकुल का एक कॉन्सेप्ट रखा है, जिसमें पहले नालंदा की तरह दुनिया के 200 देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आएंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी देश के लोगों के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक आह्वान किया है कि जो लोग संस्कृत को अपनी मातृभाषा बनाना चाहते हैं, जो संस्कृत में
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक प्रास्नातक करना चाहते हैं, जो संस्कृत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। देखिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने संस्कृत के एक वाक्य आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रूपम, इस एक संस्कृत के श्लोक को डिकोड करके ये साबित कर दिया कि प्राणायाम इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। ऐसे लाखों श्लोक, ऐसे लाखों मंत्र, ऐसे लाखों ऋचाएं, ऐसे लाखों सूत्र जिसके अंदर परा अपरा विद्याएं छुपी हुई हैं, जिसके अंदर गहरा विज्ञान छुपा हुआ है, उसको डिकोड केवल संस्कृत के माध्यम से किया जा सकता है। तो संस्कृत के व्याकरण से लेकर, संस्कृत के साहित्य से लेकर स्नातक और प्रास्नातक का एक विशेष कोर्स, क्योंकि ये काम सरकारें नहीं करवा सकती, ये काम विदेशी कंपनियां नहीं करवा सकती, इसको पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रारंभ किया है। और इस संकल्प के साथ कि हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। आज पूरे देश में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, इन 15 लाख स्कूल्स में से लगभग 10,32,000 स्कूल प्राइवेट हैं और लगभग 5 सरकारी हैं, 10 लाख स्कूल सरकारी हैं, 5 लाख प्राइवेट स्कूल हैं। ये अलग अलग राज्यों के बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, अलग अलग बोर्ड से जुड़े हुए हैं। इन सबको आने वाले समय में भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना है, और जैसे ये स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे, इनके अंदर अनिवार्य शिक्षा के रूप में संस्कृत का विषय है। तो संस्कृत के शिक्षक इस देश में नहीं है। पहले चरण में अगले 5 सालों में, 3 से 5 सालों में 50,000 संस्कृत के आचार्यों की, टीचर्स की आवश्यकता है, और जिसके लिए पूज्य स्वामी जी ने आह्वान किया है कि जो संस्कृत से BA MA करेंगे उनके जॉब की गारंटी हम लेते हैं। आइए पूज्य स्वामी जी महाराज को उनके शब्दों में सुनते हैं। आप पतंजलि विश्वविद्यालय के वेबसाइट के ऊपर जाके सारी सूचनाएं ले सकते हो। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं सब। BNYS और DNYT से लेकर के बायोलॉजिकल साइंस में डिप्लोमा, क्योंकि जितनी रिसर्च की फैसिलिटी पतंजलि में है, ऐसी योग आयुर्वेद और अपने भारतीय सनातन संस्कृति के पारंपरिक मूल्यों पर अनुसंधान की वैसी फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। भारत सरकार के पास में भी वैसी फैसिलिटी नहीं है। इतनी बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर है, इसलिए जो अलग अलग BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस में जो डिप्लोमा, फिर बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योग साइंस, जिसको नेचुरोपैथी का डॉक्टर कहते हैं BNYS, डिप्लोमा इन योग थेरापी DNYT, और BA MA PhD DLIT संस्कृत में, ये सारी व्यवस्था वैदिक एवं लौकिक साहित्य में, व्याकरण में, दर्शन में, बहुत बड़ी व्यवस्था है इसकी। और MA साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी में, और PhD साइकोलॉजी में, चाहे टूरिज्म में भी डिप्लोमा की व्यवस्था है, और भारतीय संगीत में भी, इंग्लिश में भी MA की व्यवस्था है, और BA भी, दर्शन में, वैदिक दर्शन में एक PG डिप्लोमा भी है जो BMA आदि किए हुए, लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा को, वेद दर्शन उपनिषदों के सार तत्व को समझना चाहते हैं तो इसको वैदिक दर्शन में PG डिप्लोमा भी है, MA दर्शन भी है, BA दर्शन भी है, BA और MA व्याकरण में भी है, और इसी में PhD की सब व्यवस्था है। व्याकरण और दर्शन आदि शास्त्रों में, योग में तो BA MA PhD और DLIT आदि सारी व्यवस्थाएँ हैं स्वयं, और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड PGD भारतीय व्यायाम पद्धति, ये अलग अलग प्रकार की सारी व्यवस्थाएं। अभी तो उसका एक चरण शुरू हुआ है पतंजलि विश्वविद्यालय का, उसका विराट रूप भी आने वाले 5 सालों में पूरी दुनिया देखेगी, और दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से, साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, और पूरी दुनिया में मान्यता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे प्रामाणिक विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय बन रहा है, बनेगा। और यहाँ जो बालक बालिकाएं अपने जीवन को अपने पूर्वजों की भांति अपने आध्यात्मिक ये जो शिक्षा पद्धति है इसमें दीक्षित करके
आज चारों तरफ पूरी दुनिया में योग की डिमांड है। और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड और आगे जो पूरा पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम की जो पूरी श्रृंखला है, 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की जॉब की गारंटी के साथ, क्या बोला, 50,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक की जॉब की गारंटी के साथ हम BA MA PhD करवा रहे हैं। ये आपने पूज्य स्वामी जी महाराज को सुना। पूज्य स्वामी जी महाराज ने सीधे सीधे कहा है कि जो लोग BA संस्कृत में, BA वैदिक लौकिक साहित्य में, BA व्याकरण में, BA ऑनर्स दर्शन में, BA व्याकरण में, MA संस्कृत में, MA व्याकरण में, MA लिटरेचर में, MA दर्शन में करेंगे, उनके लिए आने वाले समय में भारतीय शिक्षा बोर्ड में तत्काल गारंटेड नौकरी की व्यवस्था है। क्योंकि पहले चरण में ही भारतीय शिक्षा बोर्ड से अगले आने वाले 1 से 5 वर्षों में 50,000 ऐसे संस्कृत के शिक्षकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। हर विद्यालय जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड होगा वहाँ पर एक संस्कृत का आचार्य जरूर, शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर जरूर रखा जाएगा, जरूर जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे ये परंपरा आगे बढ़ेगी तो आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में यदि आपका कोई छोटा भाई, कोई बच्चा जिसको कैरियर बनाना है, चरित्र के साथ, राष्ट्र सेवा के साथ कैरियर बनाना है, वह पतंजलि विश्वविद्यालय में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर आज ही आवेदन करें और ये अवसर हाथ से नहीं जाने दें। 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, BBA, MBA, BTech, MTech करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में आप यदि भारतीय दर्शन से, संस्कृत से, व्याकरण से MA करते हैं, BA करते हैं तो आपको गारंटीड जॉब मिलेगी, ऐसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। तो आइए इस अवसर का लाभ उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये सूचना यदि आपके घर में कोई है तो आप लाभ उठाइए, आप नहीं उठा सकते तो ये सूचना दूसरों को दीजिए। इस वीडियो का लिंक दूसरों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।